हाय फ्रेंड्स, देखिए आज मैं स्लेट आइटम वाइट पे एक वीडियो बनाने वाली हूँ, जहाँ पे मैं वाइट में से वाइट ब्रोकन जो है वो वाइट चिप्स और वाइट बार लिया है, लेकिन वाइट किट कैट ट्राइंगल सभी अवेलेबल है, लेकिन मैं सोच रही थी कि सॉफ्ट का वीडियो बनाए। देखिए ये है वाइट ट्राइंगल, ये वाइट ट्राइंगल है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है। मैंने देखा है, इसका साउंड से आपको पता चलेगा ये हार्ड है। तो वाइट ट्रायंगल जो है हमारे पास अभी वो हार्ड में है, उससे थोड़ा सॉफ्ट ये वाला ब्रोकन चिप्स जैसा होगा, लेकिन अभी स्लेट आइटम में इससे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। मैं कितना सॉफ्ट है मैं आपको बता रही हूँ, मैं दिखा भी रही हूँ। इससे सॉफ्ट तो सभी के पास एक जैसा नहीं होता, किसी को इससे भी सॉफ्ट चाहिए, लेकिन किसी को ये अगर ज़्यादा सॉफ्ट लगता है। तो देखिए बार जो है, जो क्यूबिकल बार्स है उसका थिकनेस देख लीजिए। इस तरह से आपको रेड बार भी मिलेगा, मैं रेड बार भी आपको दिखाऊंगी। एक मिनट रुक जाइए, मैं लाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक रेड बार और एक ब्लैक बार भी लाई हूँ यहाँ पे। देखिए इनका साउंड सुन के आपको लगेगा ये हार्ड है, लेकिन ब्लैक रेड से थोड़ा कम हार्ड होता है। नॉर्मली ब्लैक कम हार्ड होता है रेड से, रेड स्टोन चिप्स ये वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड और क्रंची होता है। देखिए इसका थिकनेस, तो अभी हमारे पास सभी अवेलेबल है, बार चिप्स स्टोन ग्रुप सभी अवेलेबल है। ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये हार्ड है। मैं इन सबको एक एक करके पानी में डाल के आपको दिखाऊंगी कि हार्ड कितना है, अर्धी कितना है, आप लोग देख लीजिए। क्योंकि देखिए मैं अपनी टेस्ट बताऊंगी कि ये हार्ड है सॉफ्ट है, तो आपको लगेगा हाँ सॉफ्ट है, सब अपने अपने हिसाब से सोचेंगे। तो मैं इनको पानी में डाल के आपको दिखाती हूँ, आप देखिए। जैसे ये है वाइट बार, देखिए मैं इसको, ये जो वाइट बार आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे लेयर है, आप देखिए। मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है, देखिए, और उसमें मैं ये बार डाल रही हूँ, वाइट बार और एक वाइट चिप्स, ठीक है। अच्छा, एक वाइट ब्रोकन और एक रेड बार, ब्लैक बार और ये एक रेड बार। मैं इन सभी को, जो जो आइटम मैंने लिया था यहाँ पे, सभी को मैं एक एक करके पानी में डाल दिया है, आप लोग देख लीजिए। अभी इनमें एक ही साथ में मैं डाली हूँ और वीडियो मैं पॉज नहीं करूँगी, तो टाइम पता चल जाएगा कितना टाइम ये लोग ये रह रहा है। और इसको मैं यहाँ से अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए वाइट में अभी सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मुझे जो लगता है वो है ये स्लेट चिप्स, लेकिन पहली बार जो स्टॉक आया था वो ज़्यादा सॉफ्ट था, ये इतना स्टॉक सॉफ्ट नहीं है लेकिन सॉफ्ट है। देखिए ये तो एक स्टोन है, इससे ज़्यादा सॉफ्ट क्या होगा। और ये है वाइट ट्रायंगल, इसको भी पानी में डालते हैं। इन सभी को मैंने पानी में डाल दिया है। ब्रोकन जो है वो बहुत अर्दी है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है। वाइट नॉर्मली सॉफ्ट होता है, देखिए ये बहुत डस्टी होता है, देखिए इस साइड से। अभी मैं इनको एक एक करके पानी में से उतारूंगी और दिखाऊंगी कि किसका क्या चेंजेस है। पहले मैं रेड दिखाती हूँ, देखिए रेड बार जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, क्रंची होता है, देखिए रेड। ये है ब्लैक, ये है वाइट, देखिए ये भी वाइट बार है, वाइट बार, देखिए एक साथ में डाला था तीनों को, तो वाइट बार वो जो है वो बीच में से खुल गया है, लेकिन सभी बार एक ही टाइम में खुलेगा ऐसा कोई बात नहीं है।
ये है ब्रेक, ये है वाइट चिप्स। देखिए वाइट चिप्स का वीडियो मैं बहुत बार बना चुकी हूँ। चिप्स देखिए एक ही बार में ये 4 पीसेस हो गए हैं। इससे सॉफ्ट आपको नहीं मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है हमारे पास अभी। ये है वाइट ब्रोकन और ये है वाइट स्टोन ट्रायंगल। दोनों का टेक्सचर देख लीजिए, हार्ड या सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास वाइट में ये सभी वैरायटी अवेलेबल है, लेकिन आप देख लीजिए कौन सा आपको ज़्यादा सॉफ्ट लगता है, उसके हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो चिप्स है ये बहुत ज़्यादा अर्दी है, इसका थिकनेस देखिए। वाइट नॉर्मली सॉफ्ट होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स देख लीजिए। ओके बाय फ्रेंड्स।